लोग चाहते हैं तो सरकार डिस्कस करे और जो मृत बच्चे हैं उसको 10 लाख रुपया का मुआवजा दे और यह तय करे, क्योंकि यह कोई अचानक यह मृत्यु नहीं हुई है बच्चों का। करीब 5-6 साल से लगातार, उससे भी ज्यादा से यह बीमारी चली आ रही है, लेकिन उसके रोकथाम के लिए कोई नहीं किया, कुछ नहीं किया गया। इसलिए सरकार को इस बात का भी फिक्स करना चाहिए इसके लिए दोषी कौन है। एक डॉक्टर को वहाँ सस्पेंड कर देने से हम समझते हैं इसका कोई समाधान नहीं निकलता है। इसलिए सरकार जांच करावे और यह देखे जिसके लिए दोषी कौन है, उसके लिए उससे सजा मिलनी चाहिए और उस पर मर्डर केस चलना चाहिए, क्योंकि सुनियोजित ढंग से गरीब बच्चों का मृत्यु हुआ। उन लोग से आप पूछिए, मैं समझता हूँ कि उन लोग पर कुछ संवेदनशील होना चाहिए इस मामला में। इतनी बड़ी घटना हुई और इसमें किसी का दोष फिक्स नहीं किया गया, इसलिए उन दोनों आदमी का ये जवाबदेही बनता है कि इस पर क्या कर रहे हैं ये यहाँ की जनता को पता। मंगल पांडे को या नीतीश कुमार को, जो इसमें दोषी साबित हों, आप किसको मानते हैं? मैं कहता हूँ जांच करा के किसका दोष है ये साबित करना चाहिए। सरकार ही जांच करा रही, कोई ना कोई तो दोषी है। एकाएक तो एक्सीडेंट नहीं हुआ है जो किसी का डेथ हो गया, ये पहले से होता रहा है, 6-7 सालों से होता रहा है, उसका कोई निदान नहीं किया गया। एक दो बच्चे की मृत्यु नहीं हुई, सैकड़ों बच्चे की मृत्यु किसी के द्वारा लापरवाही बरती गई है। बिहार सरकार और स्वास्थ्य विभाग और उसकी नीतियां जिम्मेदार हैं। बिहार में हर साल जून के महीने में मुजफ्फरपुर और आसपास के एरिया में जिस तरह से सैकड़ों बच्चों की मौत होती है, वो सरकार की आपराधिक लापरवाही का नतीजा है। जांच किससे? नीतीश कुमार अपने कार्यकर्ताओं को दुख प्रकट करने बेगूसराय और मुंगेर तक हेलीकॉप्टर से चले जाते हैं, लेकिन 150-200 बच्चे मुजफ्फरपुर में मौत के शिकार हुए इलाज के अभाव में। चूंकि वो गरीब और दलित वर्ग से बच्चे आते हैं, पिछड़े वर्ग के बच्चे हैं, तो उसे देखने नहीं गए। ये कैसी सरकार है? जवाबदेही तय होनी चाहिए। 14 साल से चीफ मिनिस्टर नीतीश जी हैं और उस 14 साल में 12.5 साल बीजेपी का आदमी स्वास्थ्य मंत्री रहा है। जवाबदेही तय होनी चाहिए और इन सब पर आपराधिक मुकदमा दर्ज। सीबीआई जांच होना चाहिए क्या इस पर? सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार को इस्तीफा दे रहा हूँ।